हल्द्वानी में कुमाऊं रेंज के डीआईजी नीलेश आनंद भरणे ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि अब फरियादियों को विभिन्न प्रकार की गुमशुदगी के लिए थानों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उत्तराखंड पुलिस ऐप के जरिए ई एफआईआर से ही सूचना दर्ज की जा सकती है, जिसे अब जनता के लिए प्ले स्टोर से भी ऐप के जरिए ऑनलाइन कर दिया गया है। डीआईजी नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि मोबाइल खोने की सूचना, ड्राइविंग लाइसेंस प्रमाण पत्र और गाड़ियों के खोने की सूचना जैसी शिकायत आप ईएफआईआर के जरिए अपने घर से ही मोबाइल से दर्ज करा सकते हैं। डीआईजी ने बताया कि क्राइम से संबंधित एफआईआर अभी ऑनलाइन दर्ज नहीं होगी। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आम जनता को बहुत बार पुलिस से जो रोजाना का काम पड़ता है, जनरली बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो थोड़ा क्राइम से रिलेटेड पुलिस से, ज़्यादातर जनता को अपना कोई वस्तु खो गई जैसा पासपोर्ट या मोबाइल फ़ोन या आधार कार्ड या कोई वेरिफिकेशन कराना हो अपना टेनेंट का या खुद का वेरिफिकेशन, तो आम जनता को ये सारी चीज़ें बहुत